आपका अपना YouTube चैनल पे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टेक्निकल एनालिसिस जो कि होगा 3 जुलाई 2019 के लिए। दोस्तों आपके सामने अभी जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, मेरे डेली चार्ट है, कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, करीबन 27 मई 2019 को इसने टॉप बनाया था, वापस रिट्रेस किया इसने, अगेन इसने क्लोजिंग दी 27 जून 28 जून 1 जुलाई, 3 दिन लगातार इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद आज फाइनली इसने 2 जुलाई को इसने ऊपर 364.50 पर क्लोजिंग दी है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला स्टॉक होगा हमारे लिस्ट में अदानी पोर्ट, अभी रेंज के बाहर चल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसी ट्रेंड दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे इसने जो सपोर्ट था इसका 1350 के लगभग का, वो इसने आज तोड़ दिया है और अब ये मूविंग एवरेज तो पहले ही सारे तोड़ चुका था। अब हमें फाइनली ये देखना है कि अगर ये 1340 के नीचे पर क्रिएट करने लगे तो इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम कर बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 1350 के आसपास का रखना चाहिए हमें, या गैप डाउन ओपनिंग हो तो जहाँ ओपन हो उससे 1-2 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हमें ट्रेड लेना चाहिए। इसमें अगला स्टॉक हुआ एक्सिस बैंक ने शूटिंग स्टार बना दिया है ऊपर जाकर, तो आने वाले दिनों में हो सकता है 780 के लेवल दिखा दे। बजाय ऑटो दोस्तों मैंने आपको पिछली बार बताया था, जैसे कि आप ट्रेंड लाइन में देख रहे होंगे कुछ इस तरह से, इसने यहाँ से नीचे से सपोर्ट लिया इसने, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद क्लोजिंग दी, आज गैप अप ओपन हुआ और रेड में आके क्लोज हो गया। तो ये जो एक रेंज बना दी है इसने करीबन 2830 से लगाकर 2900 के आसपास, इस जोन से जब भी निकलेगा या तो ऊपर या नीचे 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें आसानी से दे देगा। तो कल इस पर नज़र बनाए रखिए क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, 200 AMA के भी नीचे क्लोज हुआ है आज, तो कल इस पर ध्यान रखिएगा। ये ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, अभी इनको कुछ नहीं करना है। बजाज सेंसर पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नेगेटिव कैंडल इसने फॉर्म करी है। BPCL ने 390 का सपोर्ट तोड़ने के बाद आज 50 EMA को टच करने के बाद नीचे आया है। अब नीचे 2 क्रूशल EMA हैं जो कि 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज हैं, तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल एक फ्लैग बन सकता था इसके ऊपर, आज इसने ब्रेकआउट दिया है, पर हम इसमें यहाँ तक की रेंज देख सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है 365 तक। इंफ्राटेल एक रेंज तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं मिल रहा है दोस्तों इसमें, जब भी ये वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा तो डेफिनेटली ये 250 तक के टारगेट आपको दिखा देगा। तो आने वाले दिनों में जब भी आप इसको देखें, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लगातार कम पड़ते जा रहा है जबकि तोड़ने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, इसने एक रेंज तोड़ी थी ये 290 वाली, वॉल्यूम आया था उसी वॉल्यूम में, उससे भी ये जो रेगुलर वॉल्यूम चल रहा है एवरेज वॉल्यूम, उससे अगर ज़्यादा वॉल्यूम से तोड़ेगा तब जाकर हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। ब्रिटानिया अपना सपोर्ट से संभलता हुआ है, सिप्ला अभी मूविंग एवरेज की टेरिटरी में काम कर रहा है, अभी मूविंग एवरेज से जब भी ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा तब जाकर हम इसमें ट्रेड बनाएंगे, अभी ये नो ट्रेड जोन में चल रहा है। कोल इंडिया ने कल सपोर्ट तोड़ के नीचे क्लोज करा था और वापस आज मोटा मोटी हम देखें तो 248 100 EMA से सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोज करा है, अभी ये वापस नो ट्रेड जोन में चला गया है। डॉक्टर साहब ने आज ऊपर वाले जो मूविंग एवरेज हैं यानी कि 50 और 100 उनके बीच में क्लोज दिया है, तब इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, आइसर मोटर लगातार ये जो आप देख रहे होंगे 20,100 यानी कि 50 EMA ये वाला जो EMA है इस पर इसने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ आकर वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन इसके पर सस्टेन कर पाएगा नहीं, यह आने वाले दिनों की ओपनिंग दिखाइए। कल अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है तो हमारे लिए बाइंग करने के मौके हो सकते हैं। गेल 315 के ऊपर जाएगा तभी ये कुछ हरकत दिखा पाएगा, अब तक इससे दूरी